खबर आजमगढ़ से है, जहां वर्तमान समय में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इतनी ठंड के बावजूद भी किसान जी जान लगाकर सुबह से शाम तक खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय में बिजली की व्यवस्था इतनी खराब चल रही है कि किसानों को खेत में पानी चलाने के लिए पाइप फैलाकर दो दो दिन तक इंतजार करना पड़ जा रहा है। इसके बावजूद भी खेतों में फसल की भराई नहीं हो पा रही है। इसके लिए किसान इतनी ठंड में रात को जाकर अलाव जला जलाकर मेहनत से खेतों की भराई कर रहे हैं। प्रदेश सरकार का 24 घंटे में 18 घंटे बिजली देने का वादा झूठा साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ जा रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद जब फसल थोड़ा सा तैयार हो रहे हैं तो प्रदेश सरकार द्वारा छुड़ाए गए आवारा पशु खेतों की फसल को बर्बाद कर दे रहे हैं। यही पशु रोड पर चलते समय गाड़ियों के सामने आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। इन लवारिस पशुओं का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। और तो और, खेत में नुकसान करने के बाद वही छुट्टा पशु रोड पर आते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, जिससे यातायात को नुकसान भी होता है तथा अक्सर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। वर्तमान समय में देश की प्रदेश सरकार एवं किसानों के साथ जो भी वादा किया था, चाहे वो आय दुगनी करने का हो, चाहे बिजली व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे खाद से संबंधित हो, खाद की स्थिति तो यह बन गई है कि 50 किलो की बोरी में 45 किलो ही खाद मिलती है। जब किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा लाठियां बरसाकर उनकी आवाज़ को दबाया जाता है व उनके हक को छीन लिया जाता है। इतनी मेहनत करके किसान खेतों में अनाज पैदा करते हैं और उसका रेट घटा दिया जाता है तथा जिन वस्तुओं की पैदावार अच्छी नहीं हो पाती उनका रेट बढ़ा दिया जाता है। इतनी मेहनत करके खेतों में अनाज उगाने का काम किसान करते हैं तथा जब फसल का रेट निर्धारित करना हो तो यह काम सरकार करती है, जबकि इसका रेट निर्धारित करने का अधिकार भी किसानों को ही होना चाहिए। यह किसानों का ही है, क्योंकि जब किसान की बात करी जाए तथा फैक्ट्री की बात करी जाए, जब फैक्ट्री एवं कंपनी में सामान बनकर बाहर आते हैं तो उनका रेट कंपनियां एवं फैक्ट्री निर्धारित करती हैं। जब अन्न पैदा करने का किसान काम करते हैं तो उनका रेट में निर्धारित करने का अधिकार भी किसानों को ही मिलना चाहिए। इस कड़ाके की ठंड में रेट निर्धारित करने वालों को दो रात खड़ा कर दिया जाए तब समझ में आएगा कि कितनी परिश्रम से फसल की पैदावार होती है। 6,000 रुपया साल भर में देकर किसानों के ऊपर लाठियां बरसाकर उनका सम्मान कभी नहीं हो सकता। यह सरकार किसानों को भ्रम पैदा करने के लिए किसान सम्मान निधि के नाम पर किसानों को बेवकूफ बना रही है तथा साल भर में 6,000 रुपये में कितना सम्मान होता है इसका मूल्यांकन किसी राजनेता के ऊपर साल में 6,000 रुपये देकर किया जाए और संतुष्ट करा जाए तब समझ में आएगा। जबकि 120 रुपये किलो प्याज बिक रही है और 95 रुपये किलो अरहर की दाल तथा किसानों के ऊपर लाठियां बरसाकर बिजली कटौती करके किसानों का सम्मान किया जा रहा है। आजमगढ़ से अमरजीत यादव के साथ मिथिलेश यादव की रिपोर्ट।